दोस्तों, अगर आप घर बैठे इंस्टेंट परसेंट लोन ऐप के जरिए से लोन लेना चाहते हैं या फिर इमरजेंसी आ पड़ी है तो आप इस एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन लोन अप्लाई करने से पहले टर्म्स कंडीशन जान ले, क्या एलिजिबिलिटी होगी और क्या डॉक्यूमेंटेशन लगने वाले हैं, सारा कुछ समझने के बाद अपने हिसाब से सोच समझ के लोन के लिए अप्लाई करेगा। तो चलिए जानते हैं कौन सी एप्लीकेशन है, किस तरह से वर्क करती है। दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक एन ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एविल्स फाइनेंस एप्लीकेशन के बारे में। एक आपको छोटी सी अपडेट्स देने वाला हूं और इस एप्लीकेशन को लेकर काफी लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे यहां पर अप्रूवल नहीं मिल रही है और जिन लोगों को अप्रूवल मिली है वो लोग लिमिट को इस्तेमाल भी कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि मंथली यूजेस चार्ज कब से कब तक लग रहे हैं। आज मैं यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अपनी खुद की प्रोफाइल यहाँ पर ओपन कर रखा है, यानी एविल्स फाइनेंस एप्लीकेशन यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है। लास्ट टाइम हमें 1500 रुपये की लिमिट्स मिली थी, जो कि यहाँ पर मैंने आपको विथड्रॉ करके आपको बताया था कि किस तरह से अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। वो आखिरी दिन भी आ चुकी है जिसे हमें पेमेंट भी करना है। अगर डिटेल्स में अगर दोस्तों बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटमेंट के अंदर में कि 1632.75 रुपये के साथ पेमेंट करना है। वैसे हमें यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट एटीएम जो भी हमें लिमिट्स मिली थी वो 1500 रुपये थी। यूजर्स फी यहाँ पर देख सकते हैं 112 रुपये और GST 18% हमें यहाँ पर देने पड़े हैं, वो भी 25 पैसे के साथ। कहने का मतलब है यूजर्स फी जो है मंथली यूजर्स फी आपसे चार्ज करी जाती है। आपको 1 तारीख से लेकर, मान के चलिए कि 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच आपको किसी तरह का कोई मंथली यूजर्स फी आपको नहीं देने होते हैं। अगर आप इस बीच में अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको 16 तारीख से लेकर 30 या फिर 31 तारीख के बीच आपको मंथली यूजर्स फी आपको देने होंगे। अगर आप 16 से लेकर आप 30 तक आप कन्वर्जन करते हैं, पूरे एक मंथ का यूज करते हैं, तो ऐसे में ही आपको मंथली यूजर्स फी यहां पर चार्ज करती है। तो वो चीज़ें आपने यहां पर देखा। मैंने लास्ट टाइम के अंदर में आपको बताया था कि 1500 रुपये का किस तरह से आप लोन ले सकते हैं या फिर किस तरह से बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आधार पैन के बेस पर दोस्तों लोन सर्व करती है। ऐसे मुझे यहाँ पर लोन को रिपेमेंट भी करना है और काफ़ी लोगों सवाल ये था भाई क्या ये एप्लीकेशन के अंदर में लिमिट्स भी इम्प्रूवमेंट होती है या फिर नहीं, ये चीज़ें हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोन को रिपेमेंट कर लेते हैं। तो ऐसे में चलिए हम पे वाले बटन के ऊपर सिंपल क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 1632.75 रुपये के साथ हमें पेमेंट करने हैं। तो नीचे से हम प्रोसीड टू पे वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप एक बार फिर से डिटेल एक बार चेक कर लें, ठीक है। उसके बाद कंफर्म एंड पे वाले बटन के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरह से देख सकते हैं कि गेटवे ओपन हो जाती है जिससे ये पेमेंट रिसीव करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर किसी भी जरिए से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मोबीक्विक का वॉलेट के जरिए से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, पेटीएम, UPI इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्ड, UPI, फिर नेट बैंकिंग या फिर किसी भी वॉलेट के जरिए से पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बेसिक UPI का इस्तेमाल करने वाला हूँ, वो भी पेटीएम एप्लीकेशन का। तो मैं पेटीएम के जरिए से यहाँ पर पेमेंट करके आपको दिखाने वाले हैं। आपको थोड़ी देर के बाद वैसे मैं देख सकते हैं यहाँ पर फ्री ब्रेक करके आपसे कुछ डिटेल्स भी दिखाए जाएंगे और वैसे में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेटीएम ऐप के अंदर में, जो कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं 1671.29 रुपये के साथ कुछ कन्वेंसिंग फी भी आपको देने पड़ते हैं। तो आप नीचे से जो भी बैंक अकाउंट आपके होंगे वो बैंक को सिलेक्ट करना है और अपना UPI पिन एंटर करना होगा, और जब तक ये पेमेंट सक्सेसफुली नहीं हो जाती आप वेट करेंगे। तो लो जी, फाइनली यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है। अब हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, एविल्स फाइनेंस के अंदर में ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाता है। ऐसे में देख सकते हैं यहाँ पर फाइनली हमारे बैंक से पैसे कट चुके हैं और फाइनली ट्रांजेक्शन इस तरह से मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, यानी पेमेंट कर दिया। अब ऐसे में लोगों का सवाल ये होता है कि भाई हमारी लिमिट्स इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, अब इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। और मेरे केस में भी यही चीज़ हुआ है कि अभी हमें लिमिट जो भी है 1500 के बाद इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि आपको यहाँ पर अप टू लिमिट जो भी मिलते हैं 5000 रुपये तक का लिमिट देखने को मिलता है। आपको जानकारी के लिए बता दी, आपकी जो भी सिविल स्कोर के ऊपर निर्भर करता है, बहुत सारे सिविल फैक्टर करते हैं कि आपकी सिविल के ऊपर ही डिपेंड रहता है भाई आपकी लिमिट्स बढ़ेगी या फिर नहीं। मैनुअल तरीके से यहाँ पर नहीं बढ़ाई जाती है। लास्ट टाइम मैं आपको बताया था कि आपको 1000 रुपये के शुरुआती दौर में लिमिट्स मिलेगी। मैंने लास्ट टाइम जब पेमेंट किया था तो आपको पता होगा कि 1500 रुपये तक का लिमिट चली गई थी, यानी 500 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ चुके थे। आज की डेट में जब मैंने यहाँ पर लोन को रिपेमेंट किया तो इसमें लिमिट इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। तो जरूरी नहीं है, पैरामीटर अलग अलग तरीके से काम करते हैं, इनके सिविल फैक्टर अलग होते हैं, सिविल के अकॉर्डिंग ये सारे चीज़ें खेला होता है जो आप यहाँ पर स्क्रीन के सामने देखते हैं। 1500 रुपये की जो लिमिट्स थी मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया था। रिपेमेंट करने के तरीके भी आपको यहाँ पर कंप्लीटली बता दिया।
अब ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ लिमिट बढ़ने के ऊपर कि भैया देखो आपकी सिबिल के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। हम लोग ये बस में नहीं है कि हाँ हम लोन को रिपेमेंट करते जाए और आपकी लिमिट इंप्रूवमेंट हो ही जाए, जरूरी नहीं होता है। वो सिस्टम के द्वारा ही ऑटोमेटिक आपकी सिबिल में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाते हैं। ये आधार पैन के साथ एप्लीकेशन दोस्तों ये वर्क करती है। अगर इस एप्लीकेशन द्वारा लोन अप्लाई करना चाहते हैं, क्रेडिट लिमिट्स पाना चाहते हैं, तो भाई इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पार्ट एक बार दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज के डेट में आपने देखा किस तरह से अगर आप एप्लीकेशन के अंदर में क्रेडिट लिमिट इस्तेमाल कर रखे हैं तो किस तरह से प्रीपेमेंट करेंगे और आपकी यहाँ पर लिमिट्स क्यों नहीं बढ़ रही है, वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है। सब कुछ सिविल के ऊपर निर्भर करता है। लोगों को ये भी पता नहीं चल रहा था भाई कब से कब तक मंथली यूजर्स फीस चार्ज लग रहे हैं। 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में आपसे कोई मंथली यूजर्स चार्ज नहीं लगेंगे। जितना आपने इस्तेमाल किया लिमिट को उतना ही आपको पेमेंट करनी होती है। अगर आप 15 तारीख के बीच में अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपसे मंथली यूजर्स फी चार्ज कर लिया जाता है। पूरे 31 दिनों तक आपको मंथली यूजर्स फी चार्ज कर लिया जाता है, उसको फिर आपको ऐड करके यानी एड ऑन करके आपको पेमेंट करना होता है। जो भी मंथली यूजर्स फी होता है अलग अलग लोन अमाउंट के ऊपर यानी क्रेडिट अमाउंट के ऊपर निर्भर करता है, उसी के हिसाब से मंथली यूजर्स फी आपको देने पड़ते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी पसंद आए होंगे और वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीजें डिटेल समझ में आ चुकी होगी कि एप्लीकेशन किस तरह से वर्क करती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी पसंद आएंगे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो बस इतना ही, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।